इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह ताला ने फिर मौका इनायत फरमाया। इस वजह से भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कितने सारे हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार गुज़िश्ता साल के रमज़ान में ज़िंदा थे, आज मिट्टी तले दबा दिए गए। हदीस से बात मालूम होती है कि रमज़ान की कदर जिंदों को बहुत कम होती है बमुकाबले मुर्दों के। जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है, अल्लाह की जो रहमतें और जो बरकतें नाजिल होती हैं बंदों पर, कब्र के मुर्दे उसे ज़्यादा महसूस करते हैं, अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है, नेमतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इजाफा जो है वो हो जाता है। तो हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान मुबारक की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। जहाँ तक इबादतों का ताल्लुक़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बंदों को बनाया है, तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई है, तो उस बंदे के हालत को अल्लाह तबारक व ताला बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसे कितना खाना चाहिए और इसको कितना भूखा रहना चाहिए। जिस तरह कोई इंसान मशीनरी बनाता है, मैन्युफैक्चरर जो होता है वो उसके इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो बता देता है कि इसमें कब पानी डालना है, इसकी सर्विसिंग कब करनी चाहिए, इसका ऑयल कब तक रहना चाहिए। बिल्कुल उस कानून के ख़िलाफ़ जब इंसान करता है तो उसकी मशीनरी उसे साथ नहीं देती, वो बर्बाद हो जाती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया है, उसके हालात को बेहतर तरीके से अल्लाह जानते हैं, उसी की मुनासिबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हुक्म अता करते हैं कि बंदा उसे इख्तियार करके उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम हमें मिलते हैं, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, इसमें चार तरीक़े के इंसानों के लिए नफ़े हैं। एक तो दुनियावी नफ़ा है, एक उखरवी नफ़ा है, साथ में इंसान का जिस्मानी नफ़ा भी है और रूहानी नफ़ा भी है। रोज़े में भी ये चार किस्म के नफ़े मिलते हैं। पहले हम समझे कि उखरवी एतबार से नफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या रखा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इबादत का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय किया है, नमाज पर ये मिलेगा, हज पर ये मिलेगा। जब रोज़े की बात आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़े का छोड़ दो, अस्सौम ली व अना अज़ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, उसका बदला बराह रास्त मैं बंदों को देता हूँ। तो अब अंदाज़ा करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में फरमाया कि बंदे का अमल बाज़ मरतबा 700 से लेके 7 लाख तक पहुँच जाता है। हर इबादत का जो सवाब है 700 से लेके 7 लाख नेकियों तक पहुँचता है, और रोज़े के मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उसका बदला मैं खुद हूँ। अगर कोई बादशाह अपने राया को ये कहे कि जो मेरे ख़जाने में है वो हर एक अपने अपने एतबार से वो सामान ले लें, वो ख़जाना ले लें, कोई 1 किलो सोना ले ले, कोई 2 किलो ले, कोई 10 किलो ले, और एक इंसान जाकर के यूँ करे कि बादशाह के सर को पकड़ ले, बादशाह आखिर में पूछे कि सब लोगों ने तो ले लिया और तूने नहीं लिया है, यूँ कहे कि बादशाह मैंने आपको ले लिया है। अब ये करें कि जो लोगों ने जितनी हैसियत के मुताबिक बादशाह के ख़जाने से हासिल किया है वो बेहतर है, या मुकम्मल बादशाह मिल जाए ये बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े के सिलसिले में फरमाते हैं कि रोज़े के सिलसिले में मैं उसका बदला हूँ, उसका बदला मैं देता हूँ। तो मालूम यह हुआ कि रोज़े की बड़ी अहमियत है, ये उखरवी फ़ायदा है। दुनियावी फ़ायदा उसमें यह है कि जिस्मानी एतबार से जितने अहम अहम साइंसदान ने जो रिसर्च किया है, भूखा रहने पर इंसान को कोई जो है नुकसान नहीं है, सिवाय हल्की फुल्की एसिडिटी के कोई नुकसान नहीं है। उसके नफ़े ही नफ़े हैं कि एक वक्त पर खाएं और एक वक्त पर इफ्तार करें। उसके लिए एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा लिखा है कि
इंसान के जिस्म की जो खाने की जो कैफियत है 8 घंटा और 16 घंटा है। आदमी 8 घंटे के बाद खाना खाए पहला खाना, उसके बाद 16 घंटे के बाद खाना खाए, उसका फायदा यह है कि उसको लंबी उम्र मिलती है। मौत तो बहरहाल तकदीर पर मौकूफ है, मगर इंसान लंबी जिंदगी जो जीता है वो 2 वक्त खाने से और इस टाइम पर। आप उसको देखें कि हम लोग जब इफ्तार करते हैं, इफ्तार से लेकर सहर तक का 7 से 8 घंटे का वक्त होता है, मगरिब से लेकर के सुबह सादिक के वक्त में जब हम इफ्तार करते हैं 1-8 घंटा होता है, फिर सुबह सादिक से लेकर के गुरूब तक का जो वक्त है वो 16 घंटे का होता है। तो 2 वक्त जब आदमी खाए, और फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुक्म दिया है, सूरज निकलने से पहले खाना है और सूरज डूबने के बाद खाना है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान को एक लंबी उम्र मिलती है, और जो 16 घंटा जब इंसान भूखा रहता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो रिसर्च से मालूम होता है वो इंसान के जिस्म के जो कैंसर के सेल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो कीटाणु को, वो जरासीम को रोज़ाना जब खाने की आवक रहती है पेट में तो नया नया मिलता है और सेल्स बढ़ जाते हैं। और जब इंसान भूखा रहता है, कुछ नहीं मिलता है जब पेट में, तो जो जिस्म की जो फासिद मादात हैं वो उन्हीं को खाते हैं, इस तरीके से इंसान के जिस्म का कैंसर ख़त्म होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जिस्म के अंदर जो बहुत बड़ा जो रोल अदा करता है वो किडनी है। मुसलसल हम पानी पीते हैं, गर्म पीते हैं, ठंडा पीते हैं, खाना खाते हैं, वो सारा के सारा जब उस पर लोड होता है, बसा औकात जब किडनी फेल होती है, उसके जो असरात होते हैं वो इसी तरीके पर होते हैं कि जैसे ही किडनी ख़राब हो जाती है इंसान की जो ज़बान की जो लज्जत है वो ख़त्म हो जाती है। फिर इंसान को ख़ुद ब खुद खाना पीना बंद होता है, चाह के भी नेमतें सामने वो नहीं खा सकता। अगर रोज़े में इंसान ख़ुद को जो है वो कंट्रोल करता है और खाने को रोकता है, किडनी के लिए वो वक्त मिलता है जिससे वो और फ्रेश होती है और फिर काम करने के लिए तैयार होती है। बहरहाल इस तरीके के बेशुमार फ़ायदे, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बनाया है और रोज़ा रखने का उसे हुक्म दे रहा है, तो वो बेजा और बेकार नहीं है, वो सर से लेकर पैर तक नफ़ा ही नफ़ा है। ये दुनियावी नफ़ा है, जिस्मानी नफ़ा है, रूहानी नफ़ा भी है कि इंसान जब रोज़ा रखता है तो उसकी रूह को जो सुकून मिलता है, उसका एक एग्ज़ाम्पल ये देखें कि इंसान दिन भर रोज़ा रखे और रोज़ा इफ्तार के 1/2 घंटा पहले उसका रोज़ा किसी वजह से टूट जाए, वो कितना बेचैन होता है, परेशान होता है। ये नहीं सोचता कि चलिए रोज़ा टूट गया, 1 घंटा पहले मैं जल्दी जल्दी बहुत कुछ खा लूँगा, नहीं, इंसान जो है वो रोता है इस बात पर कि काश कि मेरा रोज़ा और 1 घंटा रहता, 1/2 घंटा रहता, तो मेरा रोज़ा कंप्लीट होता, मुकम्मल होता। एक रूह को जो सुकून मिलता है वो रोज़े से मिलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, आप पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जैसे आपसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज कर दिए गए थे। उसका मकसद ये है, लअल्लकुम तत्तकून, तुम में तक़वा पैदा हो जाए। देखें, हज़रत आदम से लेकर के हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तक जितने अम्बिया आते रहे उन पर रोज़े फ़र्ज हैं, तौरात में भी है, मत्ती में भी, यूशा में भी, यूहन्ना में भी, इंजील में भी देखें, मुकम्मल तौर से हर उसके पारे के अंदर इस बात का सबूत मिलता है कि उन पर रोज़े फ़र्ज थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर 40 दिन के रोज़े फ़र्ज थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर कहती है 100वें विसाल उन पर फ़र्ज था, पै दर पे रोज़े रखना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर भी रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया। तो ये कोई नई चीज़ इस उम्मत के लिए नहीं है, मगर रमज़ान का महीना इस उम्मत के लिए ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। 12 महीनों में से इस महीने को मुंतखब किया इसलिए कि कुरान का महीना है, इसको शहरुल्लाह भी कहा गया है, अल्लाह का महीना है। रोज़े के ज़रिए से तकवा पैदा हो। एक हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान रोज़ा रखे, भूखा रहे, प्यासा रहे और गुनाहों से न बचे, तो उसका भूखा रहने से मुझे कोई जो है वो फ़ायदा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान की। तो तकवा किसे कहते हैं, इसकी बड़ी तफसीलात हैं, मुख्तसरन ये समझें कि तकवा गुनाहों से बचने का नाम है। तकवा किसका है? गुनाहों से बचने का नाम है। इंसान जब रोज़ा रखता है और तन्हाई में है, अपने घर में है, वो कुछ गुनाह करना चाहता है तब भी वो नहीं करता, उसे रोज़ा गुनाह करने की इजाज़त नहीं देता, हत्ता के हलाल चीज़ों पर भी वो रोक लगाता है। यहाँ पर अल्लाह का हुक्म है, तुम हलाल को भी तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है। पूरी ज़िंदगी में इंसान
اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اس کے لیے تقویٰ ہے. دوسرے تقویٰ جو آتا ہے وہ انسانیت سے آتا ہے، ہمدردی سے آتا ہے، غم گساری سے آتا ہے. آج دنیا میں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی ایک دن میں نہیں ملتی ہے، پریشان حال ہیں، ان کے چولہے ٹھنڈے ہیں. بھوکا رہنے سے انسان کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو ہے وہ سخاوت کا مہینہ ہے، بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے قریب میں، اور آ کر کے انہوں نے ڈکار لی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ انسان ہوگا جو دنیا میں ہمیشہ پیٹ بھر کر کے کھایا کرتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا حشر کے میدان میں وہ سب سے زیادہ بھوکا ہوگا. تو ہم لوگ کھانے کے لیے جینا نہیں ہے، جینے کے لیے کھانا ہے. وہ بہت تھوڑا سا ہے کہ انسان اس میں کھائے تو اس کی زندگی جو ہے وہ بہتر چلے. نہیں کہ ہم لوگ مسلسل بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ کھائیں. نہیں، رمضان کا مہینہ موسم کے اعتبار سے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے. ہر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے رمضان ایک نیکیوں کا سیزن ہے. نفل ادا کرو، فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. فرض ادا کرو، 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. ہر چیز کا بھاو اللہ رب العزت بڑھا رہے ہیں، تو یہاں ہمارا ٹائم پاس نہ ہو. اب دیکھیں گے اللہ اور اس کا رسول جو ہمیں بتاتا ہے وہ ڈسپلن کیسے ہمیں مینٹین کرنا ہے. ہمارے کھانے کا ٹائم سیٹ ہو، ہمارے سونے کا ٹائم سیٹ ہو. ہم بہرحال سحری کرنے کے لیے صبح میں اٹھتے ہیں، تو ہم پورے 11 مہینے تہجد کے لیے کبھی نہیں اٹھ پائے، مگر اب کھانے کی نیت سے، سحر کی نیت سے تو اٹھتے ہیں. ہم تہجد کا اہتمام کریں. جو انسان تہجد کا اہتمام کرتا ہے، قبر کا اندھیرا اس کا ختم کر دیا جاتا ہے. جو انسان تہجد پڑھتا ہے، اس کے چہرے کا نور بڑھ جاتا ہے. جو انسان تہجد پڑھتا ہے، اس کی عمر میں درازی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ اس کی عمر لمبی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات ضمناً یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھو، یہ دنیا بے وفائی ہے. دنیا میں مکمل طور سے کیا ہے؟ بے وفائی ہے. ہر انسان بے وفا ہے. کوئی انسان وفاداری نہیں کر سکتا، کوئی انسان کسی انسان سے وفاداری نہیں کر سکتا. وفا تو صرف اللہ کی ذات کرتی ہے. دیکھیں میاں بیوی کا ہی جو ہے ایک مثال لے لیں کہ بیوی سال بھر میں جو ہے وہ محنت کرے، کپڑا دھوئے، برتن دھوئے، کھانا بنائے، ایک دن اگر وہ گڑبڑ کرتی ہے، شوہر غصے میں آپے سے باہر ہو کے کہتا ہے کہ تو نے کیا ہی کیا ہے آج. اس کی مکمل سال بھر کی جو محنتیں ہیں وہ ایک جملے میں جو ہے وہ شوہر ختم کر دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ وفاداری نہیں نبھاتا. اس کے برعکس بیوی کا دیکھیں، پوری زندگی شوہر بیوی کے لیے ہر چیز جو ہے وہ دنیا کے اندر میسر کرواتا ہے اور سکون پہنچاتا ہے. کبھی کسی وقت میں اگر شوہر سے کوئی کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، بیوی اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری کیا کرائی جو محنت ہے وہ ایک جملے سے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اس سے آگے چل کر کے دیکھیں کہ جب بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، دفن کر کے آتے بھی نہیں ہے، گھر کے اندر دوسری بیوی کے لانے کے مشورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا شوہر کوئی ایسا ہے کہ وفاداری میں بیوی مر گئی تو میں تھوڑا ایک دو دن کھانا چھوڑ دیتا ہوں بیوی کے لیے؟ نہیں، ایک وقت کا بھی انسان کھانا نہیں چھوڑ. شوہر مر جائے، بیوی ایک وقت کا اس کے کھانا نہیں چھوڑتی ہے. عدت کے گزارنے کے بعد وہ اپنی زندگی کے جو ہے وہ اگلے فیصلے لینے پر جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے. ہر انسان ایک دوسرے سے بے وفائی کرتا ہے، وفاداری نہیں ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں کہ کرونا کے حالات میں کتنے سارے نوجوان، کتنے سارے ہمارے عزیز و اقارب آنن فانن مر گئے. لوگوں نے کون سی وفاداری نبھائی جنازے کی شرکت تک نہ کر سکے؟ وہ آئے کہ نہیں ہوا؟ گھر کے بچے باپ سے دور رہے، ماں سے دور رہے، آج وہ قبروں میں چلے گئے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. کیا ان کے بچوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیرنٹ کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے؟ تو یہ بات اچھے طریقے سے اپنے ذہن و دماغ کو سمجھائیں کہ میرے ساتھ اگر کوئی وفاداری کرے گا تو وہ صرف اللہ کرے گا. ہم لاکھ گناہ کر کے ایک اچھائی کریں، رب کی وہ وفاداری ہے کہ وہ لاکھ گناہوں کو چھوڑ کے ایک اچھائی کو سامنے رکھ کے وہ معاف کر دیتا ہے. انسان لاکھ اچھائی کے بعد ایک غلطی کو وہ چھپا نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت لاکھ گناہوں کے بعد ایک معافی کو سامنے رکھ کر کے اسے معاف کر دیتا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہماری اپنی قبر اور اپنی موت کو ہم سامنے رکھیں. نہ جانے ہمیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ہم مر جائیں،
सारी दुनिया हमारे साथ बेवफाई करेगी, हमारी बीवी हमारे साथ बेवफाई करेगी, हमारे बच्चे हमारे साथ बेवफाई करेंगे, हमारे शोहर हमारे साथ बेवफाई करेंगे, ये सारा के सारा मामला होगा। हमें तने तनहा हमारी कब्र में जाना है, जहां बड़ा अंधेरा है, जहां पर जो है वो सांप बिच्छू हैं, जहां पर जो है वो अजदे हैं। जो भी हदीस में आता है जिसकी जिंदगी अल्लाह के साथ बेहतरीन गुजरी है, उसकी कब्र की जिंदगी भी बड़ी बेहतरीन होगी। अब यह महीना जो है हमारे लिए वो नेकियों के कमाने का है, तहज्जुद के पढ़ने का है, हमारे खाने का वक्त सेट हो। ज़्यादा अवकात हम लोग इफ्तार के बाद में भी खाने पीने में न लगाएं। हमारे सोने के अवकात जो है वो कि हम रोज़ा रख रहे हैं तो बाद मरतबा कुछ लोग पूरी रात जागते हैं ताकि दिन भर अच्छी नींद आए, असर के करीब में उठते हैं, मगरिब में रोज़ा छोड़ते हैं, इस तरीके से रमज़ान गुजार रहे हैं। नहीं, मेहनत और मशक्क़त के बाद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रोज़ा पसंद आता है। तो कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा वक्त हम इबादत में गुजारें, इसलिए कि अल्लाह के नबी की वो दुआ देखें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, अल्लाह हमें रजब में और शाबान में बरकत दे, मतलब हमारी उम्र को इतनी लंबी कर, वो बल्लिगना रमदान, के रमदान में पहुँच जाए। अब रमदान में पहुँच गए तो अब यहाँ मर भी जाएँ तो कोई गम नहीं है, कि ये उतना मुबारक महीना है कि जिसके लिए सय्यदुल अंबिया ने दुआ मांगी हो, तो हमारे लिए देखें कितना जो है वो अजीम शान ये महीना है। इसको अल्लाह का महीना कहा गया, कुरान का महीना कहा गया, और फिर उसकी ये वो एक रात जो हज़ार महीनों से बेहतर है, इसके लिए रातों में ज़्यादा जागे। हमने ज़िंदगी तो सो की गुजारी है, कितना सोया है, दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं, रमदान की रातों को जागने की कोशिश करें। जितना जागेंगे हम अपने दामन के अंदर उतनी नेकियां समेटेंगे। एक चीज़ साथ में ये कह दूँ कि गिन गिन के ना रखें कि मैंने इतने कुरान ख़त्म किए हैं, मैंने जो है वो इतनी तिलावत की, और मेरा फला इतने जो है वो लाख नेकियां और इतने लाख तस्बीहात, नहीं, बस करता रहे और जो है वो नाम आमाल को आखिरत पर छोड़ता चला जाए। अल्लाह दिखाएँगे, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है वो बढ़ा देता है। गिनना नहीं है, गिनने से उलमा ने लिखा है किब्र की सिफत पैदा होती है। मैंने तो 5 हज किए हैं, 10 किए हैं, 15 किए हैं, मेरे तो 20 उम्रे हुए हैं, और मैंने तो जो है वो इतने कुरान जो है महीने में पढ़े हैं। जब इंसान गिनना शुरू करता है उसमें किब्र की सिफत पैदा होती है। नेकी करना है और भूल जाना है, नेकी को याद नहीं रखना है, बस करो और भूल जाओ, अल्लाह के लिए करो खालिस। तो उसमें देखें रोज़ा भी बड़ा मुखलिस होता है, नमाज पढ़ता हुआ आपको इंसान देख सकता है, हज करता हुआ इंसान आपको देख सकता है, ज़कात देता हुआ इंसान देख सकता है, लोगों को पता चलता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है, आप रखो किसी को भी खबर नहीं होती है कि आप रोज़ा रख करके चल रहे हैं, या आपका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह के साथ में है। रोज़े से रिया नहीं निकलती है, रोज़े से इखलास निकलता है। तो अपने वक्त का एक टाइम टेबल सेट करें जिसमें तहज्जुद से लेकर के जो है वो शाम तक, ग़ुरूब आफ्ताब तक के हमारे सारे के सारे निज़ाम बराबर हो। दूसरी चीज़, नवाफिल को न छोड़े। हम जहर की नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ के निकल जाते थे, और दिनों में ईशा की नमाज पढ़ते थे, सुन्नत पढ़ के निकल जाते थे, मगरिब की सुन्नत पढ़ के नफिल को नहीं छोड़ जो है वो छोड़ देते थे, मगर रमदान में एक नफल को भी हम न छोड़े, क्योंकि एक नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर है। मैदान महशर में जब हमारे फ़राइज निकाले जाएंगे, नमाज की जो फ़र्ज में कमी कोताही होगी, अल्लाह ताला इन फ़र्ज़ों को उसके अंदर मिला करके हमारा हिसाब बराबर करेंगे। तो नफल में खूब एहतमाम करें, जो नमाजों के हैं, नमाजों के अलावा जो एक्स्ट्रा नवाफिल हैं, इशराक हैं, अव्वाबीन हैं, चाश्त है, तहज्जुद है, इसको भी कसरत से पढ़ें। अब ये रमदान के महीने को ये समझ के चलें कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमदान है, हो सकता है अगले रमदान हमारी उम्र में वो नसीब होना हो, इसके लिए इसकी कदरदानी करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नवाफिल का अहतमाम करें। दूसरा, हुज़ूर ने फरमाया सदकात की कसरत करें, इस महीने में ज़्यादा काम क्या करना है, सदकात की कसरत, अपने हाथों से सदका दें। जो इंसान अपने हाथों से सदका कसरत से देता है उसकी उम्र को लंबी कर दिया जाता है। हदीस, खूब सदका दे, एक दिन भी हमारा ऐसा जो है ना हो कि जिसमें हम रमदान में किसी गरीब की मदद न की हो। तीसरी चीज, मुसाफिरों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमारे यहाँ पर दस्तरखान को वसी करें, रमदान के महीने में कसरत से हमारे यहाँ पर जो है वो लोगों को खाना खिलाने के आदि। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने किसी को इफ्तार कराया उसकी हालत ऐसी है कि जो रोज़ेदार का जो सवाब है वो इफ्तार कराने वाले को मिल जाएगा। एक साहब ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम इस बात की ताकत नहीं रखते कि लोगों को खाना खिलाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप एक खजूर खिलाइए, आप पानी का एक घूंट दीजिए। हदीस,
खजूर खिलाएं, पानी पिलाएं, इस पर भी उतना सवाब मिलेगा जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिलता है। मैं आपको एक बात ये साथ में बता दूं, अपने रोजे पर कभी भरोसा ना रखें। मैं रोजा रख रहा हूँ, बहुत शानदार मैंने रोजा रखा है, उसका अज्र मिलेगा, मगर ये करें कि अल्लाह के बंदे जो सामने वाले उनके रोजे का भरोसा करें कि आज कोई अल्लाह वाला बंदा, आज कोई आलिम दीन, आज कोई हाफिज कुरान, आज कोई बुजुर्ग मेरे घर में मेरे दस्तरखान पर इफ्तार करें, उसके रोजे का सवाब जो है वो मेरे दामन में आ जाए, इसकी कोशिश करें। अब देखेंगे रमदान के माहौल में मुसाफिरीन में अक्सर उलमा आते हैं, बड़े बड़े मदारिस के वो उस्ताज होते हैं, कहीं हदीस पढ़ाते हैं, कहीं फिका पढ़ाते हैं, कहीं तफसीर, मगर हम जानते नहीं हो, आए हम समझते हैं चंदे वाला कोई मौलाना है, नहीं, उनकी बड़ी हैसियत होती है, एक मदरसे के चलाने के लिए मजबूरन उन्हें निकलना पड़ता है। तो हर इंसान इस बात की कोशिश करे कि आने वाले मुसाफिर, वो चाहे सही हो, जाली हो, किसी के पास सर्टिफिकेट हो, किसी के पास तस्दीक नामा हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, एक मुसाफिर है हमारे शहर का, हमारे दस्तरखान पर खाना खाए, उसके रोजे का सवाब मुझे मिले, हमारे दस्तरखान पर वो सहरी करे, उसके रोजे का हमें सवाब मिले, इसकी कोशिश करें। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप किसी के घर मेहमान हो और जब उसके घर पर खाना खा लो, एक दुआ सिखाई अल्लाह की नबी ने, वो दुआ क्या है, अकल तआमुकुमुल अबरार, क्या माना है, तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं, वसल्लत अलैकुमुल मलाइका, और फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की दुआ मांगे, और फिर तीसरा अफ्तरा इंदकुमुस साइमून, रोजेदार तुम्हारे दस्तरखान पर इफ्तार करे। देखिए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआ सिखाई है कि हम किसी के मेहमान बन जाए, खाना खाने के बाद उस मेजबान को यह दुआ देना है, तीन जुमले इरशाद फरमाए अल्लाह के नबी ने, तीन में से दो जुमले फिर खाना खिलाने के बारे में, ये नहीं कि अल्लाह ताला उनको बहुत खिलाए, ये दुआ नहीं सिखाई, निकाह कि तुम्हारे दस्तरखान पर फिर नेक लोग खाना खाएं, मालूम ये हो कि खिलाने की बड़ी तरगीब है इस्लाम में, और फिर फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत भेजें, तीसरी दुआ में कहा कि तुम्हारे दस्तरखान पर इफ्तार करे, रोजेदार इफ्तार करे, तो किसी के यहाँ पे खा करके भी दो मरतबा फिर खिलाने की जो है वो दुआ देना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिखाया है, मालूम ये हुआ कि खिलाने की बड़ी अहमियत इस्लाम में। तो हमारे दस्तरखान पर हर दिन ये कोशिश करें कि इफ्तार हो, हर दिन ये कोशिश करें कि सहर हमारे दस्तरखान पर हो, तो इस तरीके पे सामने वाले के रोज़ों के जो नेकियां हैं उनकी जो मकबूलियत है, दिन भर का उनका जो कुरान पढ़ा हुआ है नेक अमल है वो हमारे दम, नवाफिल की कसरत करना है, सदकात की कसरत करना है, और हमारे दस्तरखान को वसी करना है। ये तीनों हदीसें हमें कहती हैं कि ये अगर हम करेंगे तो कम से कम ये होगा कि सामने वालों के रोज़े के गुना जो है वो नेकियां हमें मिलेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश होगा। तो पहले आज ही से, कल से हमारा पहला रोज़ा शुरू हो रहा है, तो हमारा टाइम सेट करें कि हमें कितना खाना है, रातों को कसरत से जागना है, इसलिए कि रात भर हत्ता के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाते हैं जो अल्लाह की तस्बीह में लगे हुए हैं, मेरा जिक्र छोड़ दो, अल्लाह क्या फरमाते हैं, मेरा जिक्र छोड़ दो, और रोजेदार जो दुआएं मांग रहे हैं उनकी दुआ पर आमीन कहना शुरू करो। कितनी प्यारी हदीस अल्लाह ताला बयान कि फरिश्तों को छोड़ रहे हैं हमारी दुआओं के लिए, तो कसरत से दुआओं का एहतमाम, ऐसे नहीं कि उसके लिए एक वक्त हो इफ्तार के करीब में, उस वक्त भी दुआ कबूल होती है, अल्लाह ताला 24 घंटे दुआओं को कबूल करते हैं, हम वजू करते करते दुआ करें, नमाज पढ़ते पढ़ते दुआ करें, तन्हा बैठे बैठे दुआ करें, जब दिल में आता है हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से लो लगाएं, दिल लगाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें। ये महीना मांगने का दो महीना है, अपने लिए मांगे, औलाद के लिए मांगे, बीवी के लिए मांगे, पूरे आलम के लिए, पूरी उम्मत के लिए मांगे, तो हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ कबूल करके सारे आलम के जो मसले को हल करें, करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर छोटी मोटी बात पर रोज़ा न छोड़े, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इंसान बिला शरई उज्र के रोज़ा छोड़ दे, कुछ भी नहीं थी तकलीफ, रमजान का रोजा उसने छोड़ दिया और उसने पूरी जिंदगी रोजा रखा, पूरी जिंदगी 70 साल की जिंदगी भी अगर वो रोजा रखे और एक रमजान का रोजा छोड़ दे, कोई फायदा नहीं उसका, पूरी जिंदगी रोजा रखे। ये अहमियत है इस रमजान के रोजे की, छोटी छोटी बातों पर हमारी माँ बहनें भी कभी हमल की वजह से, कभी दूध पिलाने के बहाने से, कभी कुछ किसी डॉक्टर ने यूँ कह दिया, किसी डॉक्टर ने यूँ कह दिया, ये सब लचर गुजरे हैं, ये कबूल नहीं होते। अंदाजा करें कि पूरी ज़िंदगी में अगर आप कदा करोगे और रोज़े रखोगे, रमदान की वो नियामत और बरकत हासिल नहीं होगी। नवाफिल इंसान अगर ना भी रखे, जैसे शव्वाल के रोज़े, अय्याम-ए-20 के रोज़े, कोई बात नहीं है, रमदान का रोज़ा जान चली जाए मगर ना छोड़े,
فرض روزہ جان چلی جائے نہ چھوڑے. ہاں اگر کوئی واقعتاً لمبا مسافر ہے اور ایسا مریض ہے کہ جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو الگ بات ہے, اس کے لیے رخصت ہے. مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, بہت زیادہ دھوپ ہے اور مزدوری کرنا پڑتا ہے یا بچے کو دودھ پلانا پڑتا ہے, یہ چھوٹے موٹے بہانوں پر روزہ نہ چھوڑے. مضبوط آج کی رات میں یہ تہیہ اور عزم کر لیں کہ کچھ بھی ہو, کتنی بھی دھوپ ہو, کتنی بھی شدت ہو, انشاءاللہ ہم رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر دانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان کے مکمل 30 روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.